नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार टीचर में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया सभी प्रश्नों का पार्ट टू वीडियो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बनारस तबलाबाज के जन्मदाता कौन है? तो बनारस तबलाबाज के जन्मदाता हैं पंडित राम सहाय, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित कंठे महाराज किस प्रांत के निवासी थे? तो पंडित कंठे महाराज ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे। पंडित कंठे महाराज कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश के निवासी थे। नेक्स्ट है कि संगीत प्रवीण उपाधि डिग्री किस संस्थान द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दी जाती है? तो ये जो डिग्री है यानी संगीत प्रवीण उपाधि जो है डिग्री है किस संस्थान द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दी जाती है? तो ये दिया जाता है प्रयागराग समिति के द्वारा दिया जाता है ना, प्रयाग संगीत समिति के द्वारा दिया जाता है जो कि इलाहाबाद में है ना। नेक्स्ट है कि टप्पा गायन का प्रचार किसने किया था? तो टप्पा गायन का प्रचार सोरी मियाँ ने किया था। टप्पा गायन का प्रचार सोरी मियाँ ने किया था। नेक्स्ट है कि पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? तो पंजाबी भाषा का प्रयोग ये टप्पा गायन शैली में होता है। पंजाबी भाषा का प्रयोग टप्पा गायन शैली में होता है। नेक्स्ट है कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का उपनाम क्या है? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का उपनाम है चतुर पंडित, है ना। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का चतुर पंडित है। नेक्स्ट है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु क्या क्या नाम है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का गुरु का नाम है अन्नपूर्णा देवी। और हरिप्रसाद चौरसिया ये किसके वादक है? तो ये बांसुरी वादक है, ये फेमस बांसुरी वादक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राग ठुमरी गाने योग्य है? कौन सा राग ठुमरी गाने योग्य है? तो भैरवी जो है ये ठुमरी गाने योग्य है। नेक्स्ट है कि पंडित जसराज के गुरु का क्या नाम है? तो पंडित जसराज के गुरु का नाम है ये मनीराम, है ना। पंडित जसराज के गुरु का नाम क्या है? तो मनीराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र के गुरु का नाम क्या है? पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र के गुरु का नाम है बड़े रामदास जी। नेक्स्ट है कि चतुरंग में कितने अंग होते हैं? तो चतुरंग में चार होते हैं ना, चतुरंग में चार अंग होते हैं। नेक्स्ट है कि मालकौंस किस प्रकार की किस प्रकृति का राग है? मालकौंस किस प्रकृति का राग है? तो ये गंभीर प्रकृति का राग है। नेक्स्ट है कि गजल गायन में अधिकतर ताल प्रयोग होता है? तो गजल गायन में अधिकतर ताल प्रयोग होता है कहरवा ताल, है ना। गजल गायन में अधिकतर ताल कहरवा गायन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि राम राग केदार का सम प्रकृति राग कौन है? राग केदार का सम प्रकृति राग कौन सा है? तो हमीर है ना। राग केदार का सम प्रकृति राग हमीर है। नेक्स्ट है कि राग जय जयंती का गायन समय क्या है? तो राग जय जयंती का गायन समय है रात्रि का दूसरा पहर। नेक्स्ट है कि राग दरबारी की रचना किसने की थी? तो राग दरबारी की रचना किया था ये तानसेन ने, है ना। राग दरबारी की रचना तानसेन ने किया था। नेक्स्ट है कि किस गीत में शब्द कर्मशः कई रागों में होता है? किस गीत में शब्द कर्मशः कई रागों में होता है? तो रागमाला में ये क्या है, कई रागों में होता है। नेक्स्ट है कि लक्षण गीत का क्या उद्देश्य? तो लक्षण गीत का क्या उद्देश्य? राग का परिचय जानना। लक्षण गीत का उद्देश्य राग का परिचय जानना। नेक्स्ट है अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न राग को क्या कहते हैं? अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न राग को क्या कहते हैं? तो आश्रय राग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? तो ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? तो संगीत कला सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट है कि राग भैरवी के आरोह अवरोह से रे और नी प हटा दिया जाए तो कौन सा राग बनेगा, है ना। राग भैरवी के आरोह अवरोह से रे और नी प हटा दिया जाए तो कौन सा राग बनेगा? तो ये राग बनेगा मारवा राग बनेगा। नेक्स्ट है कि गायन में सबसे अधिक कौन सा वाद्य प्रयोग होता है? तो गायन में सबसे अधिक कौन सा वाद्य प्रयोग होता है? तो हारमोनियम का प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है कि स्वर्गीय कोदर सिंह किस वाद्य के जानकार थे? तो स्वर्गीय कोदर सिंह ये पखावज के वाद्य के जानकार थे, है ना। पखावज को मृदंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि स्वर ठीक करने के लिए कौन सा
साज आवश्यक है? तो स्वर को ठीक करने के लिए कौन सा साज आवश्यक है? तो तानपुरा साज आवश्यक है। नेक्स्ट है कि ठुमरी गायन में कौन सा ताल प्रयोग होता है? तो ठुमरी गायन में कौन सा ताल प्रयोग होता है? तो जत ताल का प्रयोग होता है। ठुमरी गायन में कौन सा ताल प्रयोग होता है? तो जत ताल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि सूल ताल प्रायः किस गायन शैली के साथ एक का प्रयोग होता है? सूल ताल प्रायः किस गायन शैली के साथ वन का प्रयोग होता है? तो किस गायन शैली के साथ? तो ये ध्रुपद गायन शैली के साथ वन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वो क्या कहलाता है? जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वो क्या कहलाता है? वो तिरोभाव कहलाता है। नेक्स्ट है कि सम्राट संगीत सम्राट किसके नाम के साथ जोड़ा जाता है? संगीत सम्राट किसके नाम के साथ जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? संगीत सम्राट किसके नाम के साथ जोड़ा जाता है? तो ये तानसेन के नाम से जोड़ा जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में अस्थित चक्र में तिलियों की संख्या कितनी है? तो 24 है। नेक्स्ट है कि किस गायन शैली के लिए पखावज द्वारा संगीत संगति होनी चाहिए? किस गायन शैली के लिए पखावज द्वारा संगति होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए, ये ध्रुपद धमार है ना, इसका करेक्ट आंसर है ध्रुपद धमार। नेक्स्ट एक बार फिर से देख लीजिए कि किस गायन शैली के लिए, तो ध्रुपद और क्या है, ध्रुपद धमार शैली के लिए पखावज द्वारा संगति होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि धमार ताल का आविष्कार किसने किया था? तो धमार ताल का आविष्कार किया था बैजू बावरा ने। धमार ताल का आविष्कार बैजू बावरा ने किया था। नेक्स्ट है कि भीम पलासी किस थाट का राग है? तो भीम पलासी किस थाट का राग है? तो काफ़ी थाट का राग है। नेक्स्ट है एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में ये 7 स्वर होता है ना, एक सप्तक में 7 स्वर होता है। नेक्स्ट है कि कोमल स्वर कितने होते हैं? तो कोमल स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। कोमल स्वर 4 होते हैं, वो कौन कौन सा होता है? एक ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद होता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता है? आधुनिक राग में कौन सा स्वर वर्जित नहीं होता है? तो ये इसमें है सा जो है ये कभी वर्जित नहीं होता है, क्योंकि सा जो है वो अचल स्वर है। नेक्स्ट है राग केदार की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? राग केदार की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? तो ये कल्याण थाट से हुई है। नेक्स्ट है कि निम्न रागों में कौन सा सायंकालीन संधि प्रकाश का राग है? निम्न में रागों में से कौन सा सायंकालीन संधि प्रकाश का राग है? तो ये है मूलतानी, है ना, मूलतानी रागों में सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। नेक्स्ट है कि राग भैरवी में कौन सा स्वर कोमल लगते हैं? राग भैरवी में कौन सा स्वर कोमल लगते हैं? तो इसमें रेग ध्वनि स्वर जो है ये कोमल लगते हैं। नेक्स्ट है कि किस राग में पो स्वर संगति का प्रयोग होता है? किस राग में रे पो स्वर संगति का प्रयोग होता है? तो ये होता है किसमें? कामोद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग यमन में कौन कौन से स्वर लगते हैं? तो राग यमन में कौन कौन सा स्वर लगते हैं? तो इसमें मो तीव्र बाकी सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। और एक चीज़ है कि आप लोग है ना कॉमेंट में ये बताइएगा कि ये वीडियो जो सीरीज जो है बिहार टीचर प्रीवियस ईयर का सीरीज जो है जो एग्ज़ाम 2023 तक हुआ है सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये सीरीज आप लोग को कैसा लग रहा है ना, तो फिर इसको कंटिन्यू रखने में मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कुछ इंटरेस्टेड कम लोग आ रहे हैं अभी जुड़ रहे हैं, इसलिए आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि इसको कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पार्ट 3 और लास्ट इसका वीडियो रहेगा इस चैप्टर का कला एवं संस्कृति का। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।